मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पारू थाना के लालू छपरा बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 अपराधियों ने 2,53,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। दरअसल 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने 7 मिनट में लूट को अंजाम दिया और मणिकपुर हाईवे से सरैया की ओर भाग गए। पुलिस ने बताया कि 3 अपराधी बैंक के अंदर गए, जबकि 3 बैंक के बाहर ही थे। बैंक में घुसे अपराधियों ने गेट पर खड़े दफादार को कब्जे में ले लिया। 2 अपराधियों ने कैश काउंटर के पास पहुंचकर कैशियर पर पिस्टल तान दी और 2,53,760 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी टोपी और काला मास्क लगाए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह और एसडीपीओ सरैया राजेश कुमार शर्मा ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है, जिसके बाद पुलिस की टीम वैशाली में आधा दर्जन अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। न्यूज़ डेस्क।